I am Harit from Sikopedia. This is my personal channel. I hope you all are fine. So today I am going to start a very interesting topic for you, atmospheric pressure. देखिए atmospheric pressure क्या होता है, बड़ा ही interesting topic है और आपको समझना भी चाहिए क्योंकि atmosphere के द्वारा आप सभी पे अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उस पर प्रेशर लगता रहता है और उस प्रेशर को एटमोस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एक्टिविटी और इस एक्टिविटी को यहाँ पे करके दिखाएंगे और समझेंगे कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो देखिए एटमोस्फेरिक प्रेशर को सबसे पहले समझते हैं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए बड़ा ही सिंपल वे से अगर हम बताएं कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है तो बड़ा ही सिंपल है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई सराउंडिंग एयर ऑफ एटमोस्फेयर, हमारे एटमोस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, बहुत सारी गैसेज जो प्रेजेंट है, उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है हर चीजों पर, पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाली सारी चीजों पर, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उन पे जो प्रेशर लगाया जाता है एक्चुअल में वही क्या कहलाता है, आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ऐसे ही हम कह सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाई एयर मॉलिक्यूल ऑफ एटमोस्फेयर ऑन द अर्थ एंड एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर जो सारी चीजें रहती है या पृथ्वी है उन सभी पे जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं एटमोस्फेयर की, वो जो प्रेशर लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं एक्चुअल में, उसी को क्या कहेंगे हम, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो लेट्स सी ऑन दिस एक्टिविटी फॉर अंडरस्टैंडिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये ग्लास है, ये ग्लास है आपके पास, ये ग्लास कैसा है देखिए, इसके अंदर क्या है, आप कहेंगे एम्प्टी, नो आप नहीं कह सकते इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बोला हमारे सराउंडिंग में एयर होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो ये खाली नहीं हुआ, कहोगे तो खाली है, इसके अंदर तो कुछ नहीं है भाई, इसके अंदर एयर है, ध्यान रहे इसके अंदर क्या है, एयर है, ये आपको समझना पड़ेगा। साइंटिफिकली हम ये कहेंगे ये खाली नहीं है, ओके। आप अगर वैसे घर में कहेंगे तो ये खाली है, ठीक है, वरना आपको पागल बताएंगे सब, लेकिन ये साइंटिफिकली है कि इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, ओके। अब देखिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर को फिल करते हैं, ठीक है, इसमें हम पानी डालते हैं, इसमें हमने पानी डाला आपके सामने, देखिए इसके अंदर हम फिल अप करते हैं वाटर को और इसको कंप्लीटली फिल कर देते हैं ऊपर तक, इसके किनारे ब्रिम तक इसको भर देते हैं, अंदर पानी भर दिया हमने कंप्लीट, आपके सामने दिख रहा होगा आपको, इसमें हमने पानी डाल दिया। अब इसके अंदर कोई एयर प्रेजेंट नहीं है क्योंकि जितनी भी वॉल्यूम थी इस ग्लास की, कैपेसिटी थी, उस सारी कैपेसिटी को किसने घेर लिया, पानी ने, तो एयर तो है ही। अब देखिए हमने एक वाइट शीट पेपर या कैसी भी शीट पेपर, डोंट वाइट, आप कुछ भी ले सकते हैं, अब यहाँ पे हमने एक शीट ली, अब इस शीट को मैं इसके ऊपर रखता हूँ, देखिए इसको कवर किया मैंने ऐसे, देखिए इसको मैंने इसको कवर किया, राइट, अब आपके सामने है। अब हम ये समझेंगे कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे लगता है। अब हम इस ग्लास को इन्वर्ट करके देखते हैं, देखिए मैंने इस ग्लास को इन्वर्ट किया, लेट्स सी, देखिए आपके सामने इन्वर्ट किया, ध्यान से देखिएगा आप, देखिए यू नो वेरी वेल कि मैंने ग्लास को उल्टा कर दिया। इस ग्लास को उल्टा करने पर आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से समझिए, इस ग्लास को मैंने उल्टा किया और उल्टा करने पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इस ग्लास के अंदर जो पानी है वो नीचे निकल रहा, कितनी पतली सी शीट लगाई फिर भी ये ग्लास का जो पानी है वो नीचे नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसके नीचे से ध्यान से देखिए, इसके जो नीचे से है वो एटमोस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो इस पेपर के नीचे से ऊपर, यानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, और प्रेशर लगाने की वजह से एटमोस्फेरिक प्रेशर लगाने की वजह से इस ग्लास के अंदर जो पानी है इस एटमोस्फेरिक प्रेशर ने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। इट्स सो वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल, देखो क्या हो रहा है, इतने ज्यादा पानी को एक पतली सी सीट ने कैसे रोक दिया, तो आपको समझ में आया कितना इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे देखिए यही तो एटमोस्फेरिक प्रेशर है, हमारे सराउंडिंग जितनी भी गैसें हैं वो इसके नीचे क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है, समझ में आया, प्रेशर लगा रही है, वाह। तो यहाँ पे ये होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर, और सबसे बड़ी बात जो अर्थ है, अर्थ की जो ग्रेविटी है इस वोटर को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि हर चीज पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो वोटर भी पृथ्वी के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर
जो इस पेपर के नीचे लग रहा है ऐसे, हमारे आउटसाइड जो एयर है वो इसके नीचे जो प्रेशर लगा रही है उसने ग्रेविटी को भी फेल कर दिया, यानी ग्रेविटी से ज्यादा एटमोस्फियर प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से पानी जो है नीचे नहीं गिर रहा है। यही है एटमोस्फियर प्रेशर जिसकी वजह से ग्लास को उल्टा करने पर ये पानी नीचे नहीं गिरता। तो वेरी वंडरफुल। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से आज क्या समझा? इस एक्सपेरिमेंट से समझा कि एटमोस्फियर प्रेशर बड़ा ही शक्तिशाली होता है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो देखिए कितने पानी को इसने इन्वर्टेड करने पर ग्लास को रोक दिया। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई नो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि एटमोस्फियर प्रेशर क्या होता है। क्लियर? एटमोस्फियर प्रेशर क्या होता है आपने इस एक्टिविटी में देखा। तो लेट्स डू दिस एक्टिविटी इन योर होम। थैंक यू।